हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण पटवा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल अबाउट में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 ट्रेवल पास के बारे में। जो रेलवे की तरफ से जो ट्रेवल पास प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आप फ्री सीट रिजर्वेशन कैसे कराएंगे, साथ ही सीट कन्फर्म न होने पर आपको क्या करना है, और एडमिट कार्ड और ट्रेवल पास किस तरह आपको मोबाइल के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर जाना है। वहां से आपको इस तरह जो है 22/1/2021 को जो है लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर का ऑप्शन दिया गया है। यहां से आप जो है अपना ई कॉल लेटर और ट्रेवल पास डाउनलोड कर पाएंगे। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको पंजीकरण संख्या और डेट ऑफ बर्थ, जो आपका पासवर्ड होता है, वह आपको यहाँ एंटर करना है। आपका जो जन्म तिथि होता है, वही पासवर्ड होता है, उसको एंटर करने के बाद लॉग इन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद जो है आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। शहर की सूचना पर्ची, इसमें आप अपने परीक्षा का विवरण, किस डेट को है, किस शिफ्ट में है, ये सब डिटेल्स आप देख पाएंगे। तो इसके साथ ही आप यहां पे देख रहे हैं कि एक मुफ्त यात्रा प्राधिकरण और ई कॉल लेटर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको ई कॉल लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार शो करेगा, जिसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम फेज टू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको जहां पे आपका सेंटर दिया हुआ है, उसका यहां पे विवरण दिखाई देगा और किस डेट को है यहां पे दिखाई देगा। साथ ही यहां पे ई कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है या इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ई कॉल लेटर डाउनलोड हो गया है। इस तरह जो है आपका यह ई कॉल लेटर है, जिसमें आप का ये जो फर्स्ट में दिया हुआ है, कृपया प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एनटीपीसी यहाँ उम्मीदवार प्रति, यह जो है कैंडिडेट कॉपी होता है। साथ ही यहाँ पे आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उम्मीदवार का नाम और किस डेट को परीक्षा है और कहाँ पे सेंटर है, यह आपको परीक्षा विवरण दिखाई दे रहा है। कौन से शिफ्ट में है, रिपोर्टिंग टाइम और आपका लैंग्वेज कौन सा है। यहाँ पे दो भाषा में वहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन जो है शो करेगा, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश जो है कॉमन होता है। साथ ही यहाँ पे लैंडमार्क आपका दिया हुआ है और निकटतम रेलवे स्टेशन दिया हुआ है। ऊपर का जो है वो कैंडिडेट कॉपी होता है और यहाँ पे जो है आरआरबी प्रति होता है। यहाँ पे उम्मीदवार का सिग्नेचर करना होता है। यहाँ पे जो है वहाँ एग्जाम हॉल में अनुवीक्षक का हस्ताक्षर होता है, यह जो है आरआरबी प्रति होता है। इसको जो है फाड़ के यहाँ पे जो कट का मार्क दिया हुआ है, यहाँ से फाड़ के जो है वहाँ पे एग्जाम हॉल में देना होता है। साथ ही यहाँ पे जो है आवेदन करते समय जैसा फोटो आप अपलोड करते हैं, वैसा फोटो आपको यहाँ चिपकाना होता है, वैसा फोटो आप लोग अपने साथ लेके जाएं। और साथ ही यहाँ पे एक एग्जाम जब शुरू होता है तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक जो है घोषणा की प्रतिलिपि डिस्प्ले करता है, उसको यहाँ पे जो है ब्लॉक अक्षरों में जो है नहीं लिखना होता है, वह आपको यहाँ पे लिखना होता है जो कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। साथ ही यहाँ पे उम्मीदवारों के लिए अनुदेश दिया हुआ है, इसको कृपया आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें। एग्जाम हॉल में जाने समय आपको जो है कॉल लेटर के साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, पहचान पत्र लेके जाना आवश्यक होता है। बहुत सारे छात्र जो है भूल जाते हैं, तो कृपया आप लोग ले जाएं और साथ में फोटोग्राफ भी लेकर जाना है। यहाँ पे जो है COVID-19 स्व घोषणा पत्र फॉर्म भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इसका प्रिंट आउट जो है आप लोगों को अपने पास रख लेना है। तो इस तरह जो है इसको आप लोग को भरना है, सिग्नेचर करके वहां पे जो है आपको जमा करना होगा। इस तरह जो है एडमिट कार्ड
कैसे डाउनलोड करना है और क्या क्या इसमें दिया होता है वो सब मैंने बता दिया है। फिर भी यदि आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका पूरी हेल्प करूंगा। इस तरह जो है आगे मैं ट्रेवल पास किस तरह डाउनलोड करना है और किस तरह आपको उसका रिजर्वेशन करना है यह मैं आप आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जानकारी दिया जाता है नोटिफिकेशन के जरिए वह आपको जो है प्राप्त होती रहे। फ्री ट्रेवल पास को डाउनलोड करने के लिए आपको मुफ्त यात्रा प्राधिकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड सिटी स्लिप, यहाँ क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह जो है आपके मोबाइल और कंप्यूटर में जो है डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह जो है आपको दिखाई देगा। इसमें फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन, प्रथम चरण सीबीटी परीक्षा शहर एंड दिनांक सूचना। नोट में आप लोग इधर सकते हैं कि यह सूचना परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं है, यह केवल आपको परीक्षा शहर एंड दिनांक की जानकारी देने और यात्रा व्यवस्था के लिए है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह सूचना टिकट बुक करने यात्रा करने का प्राधिकार भी है। तो इस प्रकार जो है यह फ्री ट्रेवल पास है। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपका पंजीकरण संख्या, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जेंडर, जन्म तिथि और साथ ही आपका समुदाय कौन सा है। यह सिटी दिखाई देगा, परीक्षा राज्य दिखाई देगा, परीक्षा की तिथि किस डेट को है, शिफ्ट कौन से पारी में है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम का टाइमिंग और उपस्थित होने का सारा चीज जो है यहाँ पे आपका दिया होता है। साथ ही यहाँ पे SC ST सर्टिफिकेट जो आप आवेदन करते समय सर्टिफिकेट नंबर डाले हैं उसका विवरण, डेट ऑफ इश्यूज बाई यहाँ पे जो है सब दिया हुआ है। और साथ ही एक चीज ध्यान दीजिएगा, वैलिडिटी ऑफ ट्रेवल पास, यह जो ट्रेवल पास फ्री में जारी किया गया है रेलवे की ओर से वह आपका फॉर्म 19 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक वैलिड है। और यहाँ कहाँ से, फ्रॉम चिरमिरी से बिलासपुर के लिए जो है यह फ्री है और यह ST SC वालों के लिए ही फ्री है। यहाँ पे वास्तविक यात्रा के समय उम्मीदवार को यह प्राधिकार पत्र और मूल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है। एक चीज ध्यान दें, आप लोग जो है अपने साथ फ्री ट्रेवल पास का लाभ लेने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड साथ में ओरिजिनल जरूर रखें ताकि किसी भी प्रकार के परेशानियों में आप लोग न फंसे। और जो यह जो है सिर्फ यात्रा करने के लिए ही है, आप लोग को एग्जाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो एग्जाम हॉल में बैठने के लिए एडमिट कार्ड लेके जाएं या फ्री ट्रेवल पास को लेकर के ना जाएं। फ्री ट्रेवल पास सिर्फ आपके यात्रा व्यवस्था के लिए ही है। साथ ही इसमें आपको किस तरह सीट रिजर्वेशन फ्री में कराना है, तो सबसे पहले एडमिट कार्ड और यह फ्री ट्रेवल पास को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वहां आपको जाना है। जाने के बाद जो है आपको यह दिखाना है फ्री ट्रेवल पास और साथ ही यदि जरूरत लगे तो एडमिट कार्ड और जो आधार कार्ड, और आपको जो है अपना ओरिजिनल ST SC जो सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र उसको भी ले करके स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है। रेलवे स्टेशन में जाने के बाद आप अपने जिस तिथि को एग्जाम है उस तिथि में जो आपके सुविधा अनुसार टाइमिंग पे ट्रेन पहुंचा दे उस ट्रेन की आपको टिकट बुकिंग करने के लिए वहां पे बोलना है। ऐसे ट्रेन का चयन करें जिसके माध्यम से जो है आप वहां पे एग्जाम हॉल पे पहुंच पाए। किसी ऐसे ट्रेन का चयन ना कर लें ताकि आप एग्जाम हॉल में पहुंच ही ना पाए, तो इसका एक विशेष ध्यान रखें। तो वहां से जो है आपको एक टिकट दिया जाता है जिसमें आपका 0 मूल्य लिखा होता है, कोई भी फीस नहीं लगता है। और साथ ही यह जो ट्रेवल पास है यह आपके जाने और आने दोनों तरह की व्यवस्था जो है फ्री में रेलवे रेलवे की ओर से किया जाता है और यह सिर्फ ST SC वालों के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है।
किसी कारणवश यदि आपका ट्रेन टिकट ना हो पाता है तो आपको जो है साथ में ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र ST SC का आधार कार्ड साथ में रख लेना है, और यह जो फ्री ट्रेवल पास है इसको पकड़ लेना है, और एडमिट कार्ड भी साथ में रखना है। और आप अपने सुविधा के अनुसार उस ट्रेन का चयन करके जिस ट्रेन से आप सफर करके जो है एग्जाम देना चाहते हैं उस पे जाएं, और यदि आपको वहां पे TT मिलते हैं तो आप लोग TT से भी कंफर्म करके जो है आप सीट में अलॉट कर सकते हैं। साथ ही यह उनके लिए है जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, और साथ ही जो वेटिंग लिस्ट में ना हो या जाके रेलवे स्टेशन से टिकट बुकिंग ना करा पाए हों वे लोग भी इसके माध्यम से जो है कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कर कीजिएगा कि आप लोग जो है जाके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से अपना टिकट कर लीजिएगा। टिकट करने से फायदा ये होगा कि आप लोग जो है चिंतित में नहीं रहेंगे, और यदि नहीं कर पाएंगे और यात्रा करेंगे तो थोड़ा सा मन में हड़बड़ी टाइप से रहेगा और संशय भी बना रहेगा। तो इस असुविधा से बचने के लिए आप लोग रेलवे स्टेशन में जाएं और अपना जो है फ्री ट्रेवल पास का लाभ लें, और साथ ही बस के द्वारा या किसी और माध्यम से ना जाएं, क्योंकि जो है रेलवे आप लोगों के लिए फ्री में ट्रेवल पास प्रोवाइड करती है, तो इसका लाभ लें। अभी फिलहाल जो है सभी जगह लगभग किराया व्यवस्था जो है बढ़ चुका है, तो आप लोग फ्री का लाभ लें। और साथ ही किसी भी प्रकार का यदि दिक्कत होता है आप लोग को तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करें, मैं आपका हेल्प करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नॉलेजमेंट जानकारी दी जाती है वह जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।